बच्चों आज हम क्लास 7 की लेसन 2 का इंग्लिश का लेसन 2 चैप्टर समझेंगे। लेसन 2 का नाम है ए न्यू आइडिया ऑफ गुड मैनर, मतलब अच्छी आदतें सीखने के लिए न्यू आइडिया। द टाउन हाई स्कूल हैज जस्ट ओपन दिस मॉर्निंग आफ्टर द लॉन्ग समर वेकेशन। जो टाउन हाई स्कूल था, बहुत लंबे समय के बाद समर वेकेशन की छुट्टियों के बाद सुबह खुला था। रवि एंड आनंद आर दी सेवन्थ क्लास। रवि और आनंद सेवन्थ क्लास में थे। रवि स्पेंट हिज वेकेशन एट अ विलेज। रवि ने अपना वेकेशन एक गांव में स्पेंड करके आया था, यानी कि बिता के आया था। आनंद स्पेंट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इन द टाउन, और आनंद ने अपना वेकेशन शहर में बिता के आया था। ही वेंट अवे फ्रॉम द ओनली अ फ्यू डेज टू सी हिज अंकल। उसने कुछ समय अपने अंकल के साथ बिताए थे। दे हैव जस्ट मेट अ न्यू बॉय इन द स्कूल। ये दोनों एक नए स्कूल में एक न्यू बॉय यानी नए लड़के से मिले। हिज नेम इज अशोक, उसका नाम अशोक था। ही हैज जस्ट ज्वाइंड द स्कूल एंड द ऑलमोस्ट ए स्ट्रेंजर ऑफ देन। वो इस स्कूल में नया था और सभी के लिए अजनबी था। रवि टू अशोक, रवि ने अशोक से कहा, आई हैव नेवर सीन यू आर बिफोर। आई बिलीव यू आर द स्ट्रेंजर ऑफ दिस स्कूल। आर यू आर न्यू बॉय। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। तुम इस स्कूल में अजनबी हो, क्या तुम न्यू बॉय हो? अशोक, यस आई एम। आई एम जॉइन क्लास 7th। विच क्लास आर यू इन? यस, मैंने क्लास 7th में ज्वाइन किया है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? रवि, आई एम इन क्लास 7th टू। मैं भी क्लास 7th में पढ़ता हूँ। माई नेम इज़ रवि एंड दिस इज़ माई फ्रेंड आनंद। मेरा नाम रवि है और ये मेरा फ्रेंड है आनंद। आनंद, आई एम अ वेरी ग्लैड टू सी यू। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। अशोक, हाउ आर यू? तुम कैसे हो? अशोक, आई एम फाइन थैंक यू बट एक्सक्यूज मी। मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद, बट एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आर यू ऑल्सो इन द 7th क्लास? आप भी 7th क्लास में हैं? आनंद, यस। रवि, आई एम सॉरी आई फॉरगेट टू टेल यू डैट। हैव यू हैड अ लुक एट योर स्कूल? अशोक, आई एम सॉरी आई फॉरगेट, मैं आपसे पूछना ही भूल गया कि आपने स्कूल देखा है। अशोक, नो आई हैवेंट इट बट आई वुड वेरी मच लाइक इट। शैल वी गो टू द लाइब्रेरी एंड हैव अ लुक एट अ बुक? नहीं, मैंने अभी स्कूल नहीं देखा है। चलो हम लाइब्रेरी चलते हैं, वहाँ बुकें देखते हैं। आनंद, यस वाई नॉट? आनंद ने कहा, चलते हैं। द थ्री बॉयज गो टू द लाइब्रेरी, और तीनों बॉय लाइब्रेरी की तरफ जाने लगे। आनंद, ऑस इज़ नॉट अ वेरी बिग स्कूल। ये हमारा स्कूल बड़ा नहीं है, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग लाइब्रेरी, इसलिए यहाँ की लाइब्रेरी भी उतनी बड़ी नहीं है। रवि, बट इट्स इज अ गुड वन, पर यहाँ ये एक अच्छा स्कूल है। इट इज़ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स, जहाँ पे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक यानी कहानी की बुकें हैं। अशोक, आर देयर सम प्लेस टू? क्या तुम्हें नाटक की बुकें पसंद है? रवि, यस देयर आर, आई रीड वन लास्ट ईयर बट आई डिडेंट लाइक इट, इट वॉज बिट डल। यस देयर आर, मैंने उन्हें लास्ट ईयर रीड यानी कि पढ़ा था, बट आई डिडेंट, मुझे ये पसंद नहीं है, पर ये अशोक को पसंद है। अशोक, डू यू लाइक द वॉच अ प्ले? क्या तुम्हें प्ले यानी नाटक करना पसंद है? रवि, आई वेरी मच लाइक द वॉच प्लेस। रवि कहता है, हाँ मुझे नाटक देखना पसंद है, बट आई कांट स्टैंड रीडिंग देम, स्टोरी बुक्स आर नेवर डल। पर मुझे उसे रीडिंग करना यानी कि पढ़ना पसंद नहीं है। अशोक, बट वुड यू लाइक द एक्ट इन अ प्ले? बट अशोक को ये पसंद है। रवि, नॉट वेरी मच बट आनंद वुड लव टू। मुझे पसंद नहीं है, पर यह आनंद को बहुत पसंद है। आनंद, यस आई लाइक एक्टिंग वेरी मच। आनंद बोलता है, हाँ मुझे एक्टिंग करना पसंद है यानी कि नाटक करना पसंद है। आई एम ऑलवेज रीडिंग टू एक्ट, आई एम आस्क टू, देयर इज नॉट नथिंग डल अबाउट एक्टिंग, दस बिग फैट बुक्स आर द डल पर्चेस बट एक्टिंग इज नॉट। मुझे एक्टिंग करना पसंद है क्योंकि उसमें एक्टिंग करने से नए नए आइडियाज आते हैं। बच्चों, इसके आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। अब हम आपको होमवर्क दे देते हैं, इसकी एक्सरसाइज, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमने स्टोरी पढ़े, हमें पता है
द स्कूल हैज़ ओपन्ड, मतलब स्कूल कब ओपन हुए थे, आफ्टर द विंटर वेकेशन, विंटर मतलब कि ठंडी की छुट्टियों के बाद, आफ्टर अ हॉलीडे यानी कि छुट्टियों के बाद, आफ्टर अ समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियों के बाद, आफ्टर अ वीक यानी कि हफ्ते भर बाद। तो हमने पढ़े हैं कि ये स्कूल आफ्टर अ समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियों के बाद स्टार्ट हुए थे, तो इसका ये थर्ड वाला राइट है। अशोक इज अ स्ट्रेंजर बिकॉज, अशोक एक अजनबी था क्योंकि ही इज़ अ न्यू स्टूडेंट, क्या वो नया स्टूडेंट था, ही इज वेल नो टू ऑल, क्या वो सभी को जानता था, ही इज एन ओल्ड स्टूडेंट, क्या वह पुराना स्टूडेंट था, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या वह इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान स्टूडेंट था, तो वो एक न्यू स्टूडेंट था, फर्स्ट वाला इसका सही है। देयर थ्री बॉयज जॉइंड एंड, वो तीनों बॉय कहाँ गए थे, प्लेड फुटबॉल खेलने गए थे, विजिट द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी विजिट यानी घूमने गए थे, वेंट टू द गार्डन ऑफ द स्कूल, क्या वो गार्डन घूमने गए थे, इनसाइड द क्लासरूम, क्या वो क्लास के इनसाइड गए थे, तो वो गए थे लाइब्रेरी, इसका बी वाला सही। अब हम आते हैं फोर्थ वाले में, रवि स्पेंट इन समर वेकेशन, रवि ने अपना समर वेकेशन कहाँ बिताया था, एट अ विलेज मतलब गांव में, इन अ टाउन शहर में, एट होम यानी घर में, एंड एट हिज फ्रेंड होम यानी कि दोस्त के घर में, इसने अपना समर वेकेशन बिताया था विलेज यानी एट अ विलेज, फर्स्ट वाला सही है। फिफ्थ, अशोक जॉइंट, अशोक यानी कि जो न्यू स्टूडेंट था उसने कौन सी क्लास में ज्वाइन किया था, क्लास टेंथ, क्लास नाइन्थ, क्लास सेवन्थ की क्लास एट्थ, तो उसने कौन सी क्लास में ज्वाइन किया था, क्लास सेवन्थ। ये हुआ हमारा होमवर्क यानी बी का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, हमें होमवर्क कॉपी में करना है और कंप्लीट करना है और चेक कराना है।